डिग्री कॉलेज डोडा का ही क्लब है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज की तरफ से जो है ये क्लब बनाया गया है और मैं खुद भी इस क्लब का हिस्सा हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करो और जॉब हासिल करो, सिर्फ जॉब के लिए पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमारा फ़र्ज बनता है। हम जो न्यू जनरेशन है, हमारा फ़र्ज बनता है गाँव के इलिटरेट बंदों को सिखाना कि एक जानवर जो होते हैं वो भी इलिटरेट होते हैं, उनको भी पता नहीं होता, लेकिन जानवरों में हमने एक चीज़ देखी कि वो सफाई जो है करते हैं, जहाँ भी जो बैठे होते हैं वो सबसे पहले टांग मारते हैं, वहाँ पे सफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने इलिटरेट की बात की और कहा कि एजुकेशन की बात, बस मैं तो यही बोलूँगी कि बाहर भी दो कलर के डस्टबिन लगाए जाएँ, क्योंकि काफ़ी मतलब देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है गलियों में कि डस्टबिन नहीं होती। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे डस्टबिन नहीं है। वहाँ पे कहाँ पे रहते हैं आप? मैं नगरी बंडोड़ा रहती हूँ। बंडोड़ा में गली से नीचे जाके वहाँ पे डस्टबिन नहीं, इर्द गिर्द कितने दूर डस्टबिन? वहाँ पे गाड़ी आती है सुबह, तो वहाँ पे फिर सुबह डालना पड़ता है, वहाँ पे सुबह डालना पड़ता है, तब तक कलेक्ट कर। श्रेया शर्मा। हाँ, आप बताएं। जी, मेरा नाम कशिश ठाकुर है। कशिश जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है हमें मैनेज करना चाहिए वेस्ट को, किस कहाँ पे डंप करना चाहिए और जहाँ पे डंप करना चाहिए उससे कहाँ क्या कुछ फायदा? अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं तो हमें जाके डस्टबिन में डालना चाहिए। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गांधी जयंती है। जी हाँ, पूरे देश के अंदर जो है गांधी जयंती जो है मनाई जाती है और आप सभी को पता है किस तरीके से जो है क्या एक्टिविटीज़ जो है इस गांधी जयंती के दिन जो है रहती हैं। साफ सफाई जो है एक सपना था गांधी जी का और वही सपना आज भी पूरा अभी नहीं हुआ है। उस सपने को पूरा करने के लिए जो है कंटिन्यू जो है इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो सपना कब डिग्री कॉलेज के अंदर देखी है। जब मैं भी यहाँ पे जो है मैं यहाँ का स्टूडेंट ही रहा हूँ तो यहाँ के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेयर होते हैं। वो क्यों? क्योंकि क्लासेस में कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स जो है इस बारे में बताते हैं और वो अपने जो रैपर्स हैं जो भी वेस्ट है वो अपने बैग में डालते हैं या उसके बाद डस्टबिन के अंदर डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत करेंगे क्योंकि स्टूडेंट भी यहाँ पे है, तो इन्होंने भी जो है सफाई करने की जो ये पूरी मुहिम थी इसके अंदर जो है ये शाना बिशाना बिल्कुल साथ में थे। और इसमें आपको दिख रहा होगा गर्ल्स भी हैं और एनसीसी के जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और सभी जो बच्चे हैं यहाँ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं बच्चे हैं तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। आपको लेकर आपको आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है सफाई जो है करते हैं हम? आजकल मैंने देखा है कि हम जो है अपने घर की सफाई करके दूसरे के घर में डालते हैं और दूसरे का घर दूसरे के घर में डाल रहा और चैन की तरह जो गंदगी है वो यहीं पे रहनी, तो जहन की बात है क्योंकि आप हर एजुकेशन में पढ़ते हो, एक कॉलेज में पढ़ते हो, आपको क्या लगता है कि वो जहन किस तरीके से जो है साफ़ होगा? नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने घर की सफाई करके वो कचरा हम दूसरों के घर में डालें, ये गलत है। जब सरकार ने इतनी सारी अब एमसी है, एमसीडी डिपार्टमेंट वगैरह है, उनकी गाड़ियां वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो जब हर की डस्टबिन वगैरह सब कुछ वहां पे होगा अवेलेबल, तो हमें वहां पे डालना चाहिए, ना कि किसी के घर में जाके डालना चाहिए। और अगर हम अच्छे से सफाई करेंगे, अगर हम डाल रहे हैं डस्टबिन में, हमें देख के दूसरे भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम डाल रहे हैं, हम ऐसे सड़क में फेंक रहे हैं तो दूसरे जो होंगे वो हमें देखें, उन्होंने भी तो सड़क में ही फेंकना है, बोलेंगे इनको कोई नहीं पूछ रहा तो हम भी यहीं पे डाल दें। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद से करना चाहिए कि हम अवेयर होने चाहिए कि हम जब अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं तो हमें जाके डस्टबिन में डालना चाहिए। आप डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर रहते हैं? मैं तोंदुआ में रहती हूँ। तोंदुआ में कितने डस्टबिन हैं? तोंदुआ में तो एक ही है, एक ही जनरल पब्लिक के लिए एक डस्टबिन, एक ही है। तो बाकियों के लिए वहाँ पे गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी आती है, तो उनको जो है रेगुलरली बाहर, क्योंकि वहाँ पे अगर तोंदुआ की बात करें तो वहाँ पे बाहर जो डस्ट डालते हैं वो कौन लोग होते हैं जो डस्टबिन के बाहर डस्ट डालते हैं? वो मोहल्ले के ही होते हैं। तो क्या बताओगे हमारे माध्यम से उनको? तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि जब गवर्नमेंट ने डस्टबिन अवेलेबल करवाया हुआ है वहाँ पे, तो आप इतना कष्ट नहीं कर सकते कि आप डस्टबिन में डालो, बाहर क्यों फेंक रहे हो, रोड में मत फेंको। और बहुत बार हमने बोला भी हुआ है वहाँ पे, बट मानते नहीं है, हमारी नहीं मानते, कोई सुनता नहीं है। खुद ही जो है समझना खुद ही लोगों को है कि किस तरीके से हमने जो है अगर गंदगी साफ़ करनी है, अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान को साफ रखना भी हम बड़े शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी, लेकिन खुद भी जो है हमें, हाँ बिल्कुल पढ़े लिखे होते, ये भी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मीना शर्मा। हाँ मीना,
सबसे पहले सबको मेरी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो क्लीननेस के बारे में यही कहूंगी कि हाँ हो सकता है गांव में कुछ लोग अनपढ़ हैं, उनको अवेयर करना हमारा काम है, उनको सिखाना हमारा काम है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया किस लिए जाता है, ताकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करो और जॉब हासिल करो, सिर्फ जॉब के लिए पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम जो न्यू जनरेशन, हमारा फ़र्ज़ बनता है गाँव के इलिटरेट बंधुओं को सिखाना कि एक मतलब मैक्सिमम टाइम। अब गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी चाहे प्यार से चाहे गुस्से से, लेकिन हमारा फ़र्ज है कि हम उनके उनको अवेयर करें इस चीज़ के बारे में। काफ़ी गरीब लोग भी इस चीज़ से सफ़र करते हैं, अब चलो ठीक है जो अमीर हैं वो इस चीज़ को फील नहीं करते ज़्यादा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ से। तो ये हमारी ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है हमारी, फर्स्ट ड्यूटी है कि हम जो पढ़े लिखे हैं वो गांव में जाके, स्पेशली सिटीज़ में तो इतना नहीं होता है, लेकिन गांव में बहुत ज़रूरत होती है कि लोगों को अवेयर करना इस चीज़ के बारे में, समझाना। जानवर जो होते हैं वो भी इलिटरेट होते हैं, उनको भी पता नहीं होता, लेकिन जानवरों में हमने एक चीज़ देखी कि वो सफाई जो है करते हैं, जहाँ भी जो बैठे होते हैं वो सबसे पहले टांग मारते हैं, वहाँ पर सफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने इलिटरेट की बात की और कहा कि एजुकेशन की बात की, एजुकेशन अवेयरनेस देता है, ये सही बात है, लेकिन इलिटरेट लोगों को क्या कुछ अवेयरनेस नहीं होती और क्या अवेयरनेस आप देंगे? अगर उनको खुद का अगर इतना माइंड में नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ करनी है, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं जिनको पता नहीं है, उन मतलब हम हेल्प करना हमारा काम है। अब NSS में हैं हम, तो इसका मोटिव यही है कि नॉट मी बट यू, दूसरों को सिखाओ, पहले खुद भी मतलब फिर वही बनता है जो जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं वो हमारा फ़र्ज है दूसरों को सिखाना। ठीक है, आपने ये बात की कि जानवर और इंसान, तो इंसान को अगर मतलब ये हमारा ही काम है ना, अगर इंसान गलती कर रहा है तुम्हें दिख भी रहा है तो उसको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर खुद की अकल नहीं है इंसान में तो दूसरों को देख के तो कर सकता ना एटलीस्ट, चलो जानवरों को नहीं है तो जानवर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को, भेड़ चाल एक वो है तो वो भी एक दूसरे को देख के करते हैं ना, एग्जाम्पल दी जाती है कि भेड़ चाल मत चलो, तो वो भी तो एक दूसरे को देख के करते हैं ना। बहुत बढ़िया, इंसानों को और क्या बताना चाहेंगे अभी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से जो है डस्टबिन के अरेंजमेंट नहीं है, आप यहाँ से अगर कोई चीज़ रास्ते में खरीदते हो तो आपको जाते जाते बहुत दूर जो है एक डस्टबिन मिलेगा और तब तक आपको हाथ में लेकर रखना पड़ता है। तो हाथ में कोई, काफी लोग तो ऐसे मतलब ओपन ड्रेनेज में फेंक देता है, या नाला कोई बड़ा सा हो गया फेंक दिया वहाँ पे, तो ये इसी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है म्युनिसिपल कमेटी की वीकनेस है इस चीज में, वो तो लोगों को खुद वो कर रहे हैं ना, एक तरह का मजबूर कर रहे हैं लोगों को डस्ट फेंकने में। हो सकता है गाड़ी उस टाइम पे आती है, चलो ठीक है कर रहे हैं कि गाड़ी प्रोवाइड की है हर मतलब टाउन टू टाउन, डोर टू डोर विलेज में सब, चलो मानते हैं गाड़ी प्रोवाइड की है, हो सकता है जिस टाइम में गाड़ी आई है कोई बंदा प्रॉब्लम में फंसा हो, हर जगह पे गाड़ी नहीं पहुंच सकती और हर टाइम पे नहीं पहुंच, बाय चांस पहुंच भी गई और बंदा प्रॉब्लम में फंसा हो नहीं पहुंच सकता गाड़ी तक, तो एटलीस्ट रोड में मेन रोड में एक डस्टबिन तो प्रोवाइड करना चाहिए कि मतलब अगर वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाया तो डस्टबिन में डाल दे, बाकी गाड़ी खुद खाली कर देगी उसको। जी बिल्कुल, मेरा और बताएं मुझे और भी वहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं, इनसे भी कोशिश करूँगा बातचीत करने की। आपको मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर जो है दो कलर के डस्टबिन है, एक ब्लू और एक ग्रीन, तो उसको कैसे मैनेज करना, आपने देखा कि सुमित सर ने बताया उसके बारे में, बच्चों से ही पूछेंगे कि बाहर आपको जो है वो ग्रीन और ब्लू कलर का डस्टबिन नहीं दिखता, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, डस्ट कैसे डालते हो और आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन को बताओगे कि बाहर भी वो दो कलर के जो डस्टबिन है वो लगाए जाए, इंस्टॉल किए जाए? यस ऑफ कोर्स, मैं तो यही बोलूँगी कि बाहर भी दो कलर के डस्टबिन लगाए जाएं, क्योंकि काफ़ी मतलब देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है गलियों में कि डस्टबिन नहीं होती, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे डस्टबिन नहीं है। वहाँ पे कहाँ पे रहते हैं आप? मैं नगरी बंडोड़ा रहती हूँ। बंडोड़ा में गली से नीचे जाके वहाँ पे डस्टबिन नहीं, इर्द गिर्द कितने दूर डस्टबिन? वहाँ पे गाड़ी आती है सुबह, तो वहाँ पे फिर सुबह डालना पड़ता है, वहाँ पे सुबह डालना पड़ता है, तब तक कलेक्ट करके रखते हो? कलेक्ट करके रखना पड़ता है। तो वहाँ पे जो लोग जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ के, जितने भी आपके बंडोड़ा के, वो कहाँ पे डस्ट को जो है इकट्ठा करके रखते हैं, आपने देखा है उनको? यस हाँ, वो अपने घर पे ही रखते हैं, ज़्यादातर अपने घर पे ही रखते हैं वो शॉपकीपर्स बाकी तो अपने घर पे करते हैं, लेकिन शॉपकीपर्स कहाँ पे करते हैं? वो तो बाहर ही फेंकते होंगे ना गली में? यस हाँ, शॉपकीपर्स बाहर ही फेंकते हैं। सुबह के टाइम आपने स्वीपर्स को कभी झाड़ू मारते हुए देखा? हाँ मारते तो देखा, लेकिन हफ्ते में एक बार तो कलेक्ट करके कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे डालते हैं? वो वहीं नालियों में डालते हैं, नालियों में डालते हैं। राइट, यही मैं चीज़ सुनने की कोशिश कर रहा था, मैंने खुद भी देखा है कि सुबह के टाइम पर जो है
जब झाड़ू मारते हैं तो नालियों के अंदर डाल देते हैं, और नालियों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होता है तो उसके अंदर पानी जो है बह रहा होता है तो उसको ब्लॉकेज हो जाती है वेस्ट के कारण, वेस्ट उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और वेस्ट के कारण जो है वो जो है इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण जो है ब्लॉकेज होती है, और उसके बाद जब बारिश पड़ती है सारा का सारा जो है बाहर फैलता है और उस तरीके से भी बहुत सारी बीमारियाँ और लोगों को सफ़र करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, जो म्यूनसिपल्टी डोडा है, वो इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कर रही है। मैंने आपको कल भी स्टोरी दिखाई कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर फेल है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। वेस्ट को यहाँ पे किस तरीके से मैनेज किया जाता है आपको जो है दिखाया मैंने, वीडियो भी प्रूफ भी दिखाई कि यहाँ पे आग लगा दी जाती और मैनेज हो गया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कशिश ठाकुर। आपने नाम क्या बताया था? श्रेया शर्मा। हाँ, आप बताएं। जी मेरा नाम कशिश ठाकुर है। कशिश जी, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है हमें मैनेज करना चाहिए वेस्ट को, किस कहाँ पे डंप करना चाहिए, और जहाँ पे डंप करना चाहिए उससे कहाँ क्या कुछ फ़ायदा भी हम जो है वेस्ट से, क्योंकि वेस्ट सिर्फ वेस्ट नहीं होता, वेस्ट से बहुत चीज़ों का फ़ायदा भी होता है। डस्टबिन्स की अगर हम बात करें, छोड़िए इस बात को, ये बहुत बड़ी लेवल की बात है और ये बड़े किसी से पूछना भी ज़रूरी बनता है, ये पूछिएगा आप भी ज़रूर, आपको कहीं लोग मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा ज़रूर कि आप मुझे ये बताइए कि आप जो है वेस्ट लेते हो, वेस्ट डालते का, मुझे ये बताइए कि जो एक डस्टबिन होता है, दो कलर के डस्टबिन वहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे हर जगह पे दो कलर के ग्रीन एंड ब्लू कलर का यहाँ पे डस्टबिन और उसके अंदर वेस्ट आपने डालनी, लेकिन बाहर नहीं है। बाहर हमने देखा कि जानवर लोग भी वहाँ पे, जानवर जो होते हैं वो भी इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे बहुत बार टाइम जो है पॉलीथीन उनके पेट के अंदर चला जाता है, चाहे वो गाय हो या कोई हो, या कोई जो है ग्लास का पीस हो, ग्लास के पीस से जो वो कट जाते हैं कई बार, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या कुछ करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कुछ करना चाहिए इसके रिलेटेड, जैसे कि जो डस्टबिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे डस्टबिन रखने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखा जाता है कि वहाँ पे एक ही डस्टबिन होता है और हम जितने भी कोई भी चीज़ है हम उस डस्टबिन में वहाँ पे डाल देते हैं, जैसे हेयर हो गए, कंघी कर लेते हैं, जो हेयर है वहाँ पे चले डाल देते हैं हम, और बाद में जो कोव वगैरह वहाँ पे डंकी जो वहाँ पे खाते हैं तो हेयर भी उनके पेट में चले जाते हैं। तो हमें करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को दो कलर के जो है वो डस्टबिन डालने चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन। जो ग्रीन है उसमें उनको जो जैसे हो गए बनाना के छिलके वगैरह वो उसमें डालने चाहिए, और जो रैपर है जो खा लेते हैं जैसे कुरकुरे खा लिए कुछ भी कोई भी चीज़ है वो अलग तरीके से डालेंगे तो तभी हम उनमें समझ पाएंगे कौन सी चीज़ को जो है हमने डिकम्पोज करना है और कौन सी चीज़ को हमने जो है किस तरीके से मैनेज करना है, उसमें दोनों वेस्ट का वो बात आ जाएगी। वो कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वही कहना चाह रहे हैं। लेकिन बिहेवियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, लोगों के बिहेवियर जो है उसको लेकर क्या? लोगों का बिहेवियर तो जैसे गंदगी, अगर टाइम से गाड़ी नहीं आती है तो लोग फिर वहीं पर डाल देते हैं, जैसे गली है तो वहीं पर जितनी भी कचरा है जो भी कोई चीज़ है तो वहाँ पर डाल देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि कोई चलेगा यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बिना सोचे ही वहाँ पर डाल देते हैं, उनको अपने रूम से वो जो कचरा है वो खाली करना है और जो रोड है वहाँ पर डाल देना, ये नहीं पता है कि रोड से भी उन्होंने ही, वो जो लोग हैं उन्होंने ही चलना है, उनकी सिटी है जी, उनकी सिटी है, उन्होंने ही वहाँ से चलना है, पर वो ये बात नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये देखिए इनके हाथ में जो बैनर भी है ग्रीन रेंजर इको क्लब, जो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा का ही क्लब है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस की तरफ से जो है ये क्लब बनाया गया है और मैं खुद भी इस क्लब का हिस्सा हूँ, और यहाँ पर इन सभी से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर आपका नाम क्या है? पवन जी। पवन को। हाँ, पवन जी इनका नाम है, मैं जानता हूँ इनको, बहुत अच्छे डिबेटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिबेट करते हैं। आप मुझे बताइए, आप डिबेट तो करते हैं, डिबेट के अंदर कभी आपने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर या क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया को लेकर भाषण दिए हो, और कितने लोग जो है उससे इंस्पायर होकर जो है वो काम करते हों जो आपने बोला? देखिए सर, आपने जिस प्रकार से कहा कि एज अ डिबेटर मेरा जो फ़र्ज़ बनता है लोगों तक बात पहुँचाना, जो एक डिबेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, काम लोगों का किस प्रकार से होगा ये उनके नेतृत्व में चीज़ है, हमारे नेतृत्व में उसको एक्सप्रेस करना। अगर आप शहर में जाएंगे, अगर आप गांव में जाएंगे, आप उन दोनों जगहों पे जब जाएंगे कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस देखने को ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक मेरा कहना है सिटीज़ की जो अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस बहुत है, एज पर अगर हम कंपेयर करें गांव के लोगों में, क्योंकि गांव के लोगों में उस तरीके की सहूलियत नहीं अवेलेबल है, डस्टबिन उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनके पास बायो वेस्ट जो है उसको कहां पे रखना है, किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, उस प्रकार की कोई वहां पे सुविधा नहीं है। बात ये है कि हमारा जो माध्यम है वो हमें सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमारी इम्प्लीमेंटेशन करना एक सबसे बड़ा माध्यम है।
अभी जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस आपके सामने करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसका सीधा ही सीधा मकसद यही है, लोगों तक मैसेज पहुँचाना, उन लोगों तक मैसेज पहुँचाना जिनके लिए मैं तो कहता हूँ ये हर एक उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो इस देश में रह रहा है चाहे इस देश से बाहर रहे, उस हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि स्वच्छ रहना, तभी ही हमारा देश स्वच्छ रहेगा। आप देखेंगे गलियों में शहरों में डस्टबिन्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों की अगर आप उनकी एजुकेशन पर सवाल तो एजुकेशन पर खड़ा हो जाता है ना कि आपके पास डस्टबिन अवेलेबल्स हैं फिर भी आप कचरे को बाहर नहीं फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं ऐसी जगह है जहाँ पर उसका कोई महत्व ही नहीं होता। तो बात ये है कि जहाँ पर आपके पास डस्टबिन्स हैं उसमें आप चीज़ों को डालें, फिर उसके बाद जो आपकी म्यूनसिपल कमेटीज़ की गाड़ियाँ आती हैं, जो भी टीम्स आती हैं उसको कलेक्ट करती है, देन उसके पास एग्रीगेट करती है, ये उनका काम है। अब बहुत सी जगहों पर ऐसा है, आप बहुत सारे कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स की बात करेंगे, उनके बाहर से आप जब निकलेंगे तो बहुत सारा कचरा हमें देखने को मिलता है। मैंने पहले भी एक बार कहा है एक डिबेट के दौरान कि बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं और स्कूल्स, खास करके स्कूल्स की बात करूँ, जहाँ पर ऐसी जगहें ऐसे रास्ते बने हुए हैं, आप देखेंगे वहाँ पर ड्रेनेज जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, वहाँ से जो वेस्ट होता है वो पूरी तरीके से लिक्विड वेस्ट हो गया, या आपका राइप वाइपर कुछ भी रख लो, वो सब का सब आपको खुले आम देखने को मिलता। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस पर कोई कदम नहीं ले गया, जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ में गवर्नमेंट को। बहुत सारी मुहिम्स चलाई गई है, आज से 5 साल पहले सबसे पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं नरेंद्र भाई मोदी, मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने पूरे देश में ये एक अवेयरनेस जो एक अपनी ओर से रखी गई है उसको एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स हैं जो उनके मेंबर्स हैं वो हर गांव-गांव में जाएं, मैं ये नहीं कहूँगा सिटीज़ में जाएं, क्योंकि सिटीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे जो इन चीज़ों से अवेयर हैं। बात है अवेयर करने के उन गांवों में जाकर जहां ये इलिटरेट पीपल्स हैं, जहां पे उन लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वहां पर जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें वहां पर उपलब्ध कराएं जिससे कि लोगों तक वो समस्या जो है वो दूर हो सके। स्कूल्स जितने बनाए गए उनमें डस्टबिन्स हों, जो वार्ड बनाए गए हैं उनमें डस्टबिन्स हो, ताकि जितना भी गंद कूड़ा है उसको वहाँ पे रखा जाए। और आज तो एक कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप मुझे एक चीज़ देखने को मिली है डोडा के अंदर, वो ये है कि छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं म्यूनसिपल कमेटी की वो हर वार्ड में जा रही हैं, वो जितना भी वो गंद कूड़ा होता है वो डेली सुबह आके ले जाती है। और किसी सिस्टर ने ये भी कहा था कि आपने बोला कि ले जाती है जो है छोटी छोटी गाड़ियाँ आके ले जाती हैं, वेस्ट जो है सारा कलेक्ट करती, आपको क्या लगता है वो वेस्ट लेकर कहाँ डालते हैं? देखिए इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, वो जो भी गाड़ी यहाँ से आती है तो कहीं यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर ऐसे इलाके में जहाँ पर आबादी नहीं है लोगों की, वहाँ पर उसको या तो सेग्रीगेट का आज बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है, बहुत सारे गांव में और सिटीज़ में हमने देखा है कि वेस्ट को, जैसे हमारे स्मिथ सर ने कहा कि यहाँ पे अर्थवॉर्म्स रखा गया है यहाँ डिग्री कॉलेज के अंदर, उसी प्रकार से कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कहीं ना कहीं अच्छा कदम मिले। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस वेस्ट को जलाया जा रहा है, जो कि ये भी हमारे लिए काफ़ी अगेंस्ट में है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सेग्रीगेशन का किस तरीके से प्रोसेस हो उसके बारे में खास कदम लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि एक बहुत बड़ी पहल होगी। अगर आज के दिन से महात्मा गांधी जी का अगर ये गांधी जयंती है तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, और इस इवेंट को अगर खूबसूरत बनाना है तो शायद मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का ये कदम अगर हो जाए सेग्रीगेशन लेवल पर किस तरीके से चलना तो एक बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि सेग्रीगेशन को लेकर मशीनरीज जो लगी हुई हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लगी हुई है, जहाँ पे ये वेस्ट सारा का सारा लिया जाता है वहाँ पे भी मशीनरी लगी हुई है कि किस तरीके से जो है उसको खाद बनाया जाए। लेकिन बनाता कौन है खाद, वहाँ पे कोई नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ जानवर होते हैं, और उसको जो है एक माचिस की जो है तीली लगा दी जाती है और वो जलता रहता है, और दिन भर जो है मैनेज हो गया हमारा वेस्ट। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की सच्चाई है। बच्चों के साथ बातचीत हो रही थी, अपने अपने आइडियाज़ जो है बच्चों ने दिए और आपने भी सुने, और आपको भी जो लगता है कि किस तरीके से जो है मैनेजमेंट होनी चाहिए इस वेस्ट मैनेजमेंट की, या किस तरीके से जो है लोगों को सिटी के अंदर की बात करें, अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के अंदर की बात करें तो देख सकते हैं कि दो दो डस्टबिन हर जगह जगह पर है।
डस्टबिन हर डिपार्टमेंट के अंदर लगाए गए, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डस्टबिन की कमी है। सबसे पहले डस्टबिन लाइए, डस्टबिन हर जगह पे इंस्टॉल करिए, उसके बाद ही जो है स्वच्छ होगा हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट। या जो म्यूनसिपलिटी कमेटी डोडा है उसको भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से जो है वेस्ट लिया जाता है तो उसको मैनेज कहाँ करते हैं। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, सुलिंदर परियार को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। TLR प्रेजेंटिंग नानी की कहानी ऑन 10K सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। तुम्हारे लिए कहानियों का खजाना लाई हूँ। इन कहानियों में मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सारी दुनिया के लिए संदेश है जिसे हम रोजाना जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानियाँ सुनाओ ना। क्यों नहीं, तो सुनो पहली कहानी।